कराची में कारसाज रोड के करीब होने वाले ट्रैफिक हादसे से मुतालिक पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं जबकि अदालत से खातून का एक रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है तफसीलात के मुताबिक कराची में कारसाज रोड के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जहाँ के हादसे से मुताल पुलिस ने इब्तदाई तहकीकत मुकम्मल कर ली हैं पुलिस का कहना है कि खातून के डी ए स्कीम वन में वाक बंगले से गाड़ी लेकर निकली थी शोभा है खातून की गाड़ी जू ही दूसरी गाड़ी से

तो उन मुकम्मल तौर पर होशोहवास में नहीं है गिरफ्तार मुलजिमा को बाद में अदालत में पेश किया जाएगा कराची में के करीब ट्रैफिक का मुकदमा दर्ज किया गया आरिफ के भाई की मुदीयत में भादराबाद थाने में दर्ज किया गया पुलिस का कहना था कि हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की खातून ड्राइवर भी जख्मी है मुलजिमा को सर पर चोट लगी है जिन्हें अस्पताल में सीटी स्कैन किया जा रहा रहा है पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में बाप बेटी जाम बाग जबकि पांच अफरा जख्मी हो गए थे जख्मियों में दो की हालत तफ्तीशनाक है बाजर है कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों पर चढ़ गई थी जिसके नतीजे में बाप बेटी जाम बाग और चार जख्मी हो गए थे जबकि पुलिस ने गाड़ी चलाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया था हादसे में मोटरसाइकिल सवार इमरान आरिफ और उसकी बेटी आमना जाम बाग जबकि चार शहरी शदीद जख्मी हो गए थे

के हमने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया था हादसे के बाद मुश्त अफरा ने खातून ड्राइवर को घेरा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीप चलाने, चलाने की तस्दीक के लिए हिरासत खातून का जिन में भी कराया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिशोरी ने कारसाज ट्रैफिक हादसे पर इे अफसोस करते हुए जख्मियों को हर मुमकिन तिबी अमदाद फरहम करने की हिदायत की थी जरा का कहना है कि ड्राइवर खातून के खानदान के गवर्नर सिंध और शख्सियात से मेरासम भी हैं, जबकि मतबर शख्सियात खदशे का इजहार कर रही हैं कि कातिल को बचाने के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है दूसरी जानब सिटी कोर्ट में कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में अदालत ने मुलाजमा नताशा का एक दिन का जिसमानी रिमांड मंजूर कर लिया पुलिस ने मुलजमा के जिसमानी रिमांड की इस्तः की थी वकील आमिर मंसूब एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मौके की जहनी हालत ठीक नहीं है वो जिन्होंपताल में जेर इलाज हैं मेरी मौके को जमानत दी जाए है। वकील आमिर मसूम ने अदालत को बताया कि मेरी मौकला जिन अस्पताल में जिनपाल दे देने का इख्तियार नहीं है अदालत ने हिदायत की कि कल मुल को मुतल अदालत में पेश करें मुलर मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल में पेश किया जाए अदालत ने इस तस्वीर किया कब्जे में लिया गया या इसके पास मौजूद जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत के पर गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया और कहा बर्तानिया का ड्राइविंग है तो वो कैसे पागल या नफस्याती थी क्योंकि बरतानिया में मुकम्मल मेडिकल चेकअप के बाद लाइसेंस दिया जाता है जबकि मौत पर जरा दावा कर रहे हैं कि कातिल खातू कई कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेम्बर भी थी ऐसे में सिविल सोसाइटी और मेम्बर कौमी असम्बली ने सवाल उठाया है कि पागल करार देकर खातून को क्यों बचाया जा रहा है और अगर वो पागल थी तो क्यों ऐसे ओहदों पर को बुद्ध को मुतल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा की पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई तफ्तीशी ने मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी तफ्तीशी अफसर ने बताया कि डॉक्टर ने मुलजिमा का मुआयना करके अस्पताल में दाखिल कर लिया है मुलजिमा की हालत ऐसी नहीं है कि इसे अदालत लाया जाए मुलजिमा की जहनी हालत बहुत ख़राब है मुलजिमा को आज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता मुलजिमा का सात दिन के लिए पुलिस रिमांड मंजूर किया जाए तहम अदालत ने सिर्फ एक रोज़ा जिसमानी रिमांड मंजूर किया